हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। आज है 24 नवम्बर और 24 नवम्बर तक झारखंड में जो कुछ भी करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करेंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर कहीं ना कहीं झारखंड के सभी करेंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। अगर इस क्लास की बात की जाए तो आप सभी को ये पता होगा कि ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं इस क्लास के थ्रू झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्कीम्स जो है वो लाई जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं और झारखंड के आने वाले एग्जामों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करेंट अफेयर्स के बारे में। और सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं कि आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग कौन से करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झारखंड ने हिस्सा लिया है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है जिसमें झारखंड ने जो है पार्टिसिपेट किया है। तो अगर बात करें हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, गोवा में इसका आयोजन किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा। और गोवा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है इसमें झारखंड ने भी हिस्सा लिया है। तो देखिए गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा में 20 से लेकर 24 नवंबर तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इसमें झारखंड ने भी हिस्सा लिया था। झारखंड फिल्म विकास निगम इसमें हिस्सा जो है वो लिया था। तो कहां पे? गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहां पे, तो गोवा में किया गया था जिसमें झारखंड ने भी पार्टिसिपेट जो है वो किया था। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर हमारा था कि कौन से राज्य में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जिसमें झारखंड जो है पार्टिसिपेट किया था, तो गोवा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से अभी हम लोग पहला करंट अफेयर देखे उस तरीके से आगे हम लोग और भी करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। और अगर आपको आज के इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप लोग देख पाएंगे, सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलेंगे, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो सभी चीजें आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे कहां से? टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जितने भी लोग अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखिए दूसरा करंट अफेयर हमारा कि झारखंड के किस जिले में वैदिक विद्यालय को खोला जाएगा। तो देखिए वेदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, वेदों के बारे में लोगों को बताने के लिए वैदिक विद्यालय को खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा? झारखंड में खोला जाएगा। तो झारखंड के कितने जिलों में वैदिक विद्यालय खोला जाएगा यानी वैदिक स्कूल खोला जाएगा? तो 2 जिलों में। झारखंड के कितने जिलों में? झारखंड के 2 जिलों में। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के 2 जिलों में वैदिक विद्यालय यानी वैदिक स्कूल जो है वो खोला जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वैदिक विद्यालय को खोला तो जाएगा लेकिन इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार के द्वारा वैदिक विद्यालय को खोला जा रहा है? तो लोगों को वेदों के बारे में बताने के लिए,
लोगों को वेदों के फायदे बताने के लिए, लोगों को वेदों के बारे में जागरूक करने के लिए वैदिक विद्यालय को खोला जाएगा। कहां पे? तो रांची और देवघर दो जिलों में। कहां पे? झारखंड के दो जिलों में, झारखंड की कैपिटल रांची और झारखंड की रिलीजियस और कल्चरल कैपिटल, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल देवघर, झारखंड की कल्चरल कैपिटल भी देवघर। अच्छा, कैपिटल से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखेंगे झारखंड की कैपिटल यानी झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की सब कैपिटल यानी झारखंड की उपराजधानी दुमका, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी झारखंड की वित्तीय राजधानी जमशेदपुर, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, झारखंड की रिलीजियस यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर, झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी वो भी देवघर। अच्छा, भारत की कोल कैपिटल यानी कोयला राजधानी, तो भारत की कोयला राजधानी धनबाद। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी, तो देवघर। खेल नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। तो आपको इतनी सारी चीजें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो रांची और देवघर इन दो जिलों में क्या किया जाएगा? तो वैदिक स्कूल को, वैदिक विद्यालय को खोला जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा अब परगण्यात को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को ये टर्म नहीं पता है, परगण्यात। सर, परगण्यात क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को मुखिया पता होगा, आप लोगों को ग्राम प्रधान पता होगा, आप लोगों को मांझी पता होगा। तो चाहे हम लोग बात करें मुखिया की, चाहे हम लोग बात करें ग्राम प्रधान की, चाहे हम लोग बात करें मांझी की, ये लोग क्या करते हैं? मुखिया क्या करते हैं? मुखिया का काम क्या होता है? ग्राम प्रधान का काम क्या होता है? मांझी का काम क्या होता है? ये लोग पंचायत स्तर पर नेतृत्व करते हैं। अगर मुखिया की बात करें, अगर मांझी की बात करें, अगर बात करें हम लोग ग्राम प्रधान की, तो ये लोग पंचायत स्तर पर क्या करते हैं? तो पंचायत स्तर पर नेतृत्व करते हैं। आप बोलेंगे ठीक सर, ठीक है सर, अब परगण्यात को इससे कैसे रिलेट करें? परगण्यात भी पंचायत स्तर पर ही क्या करते हैं? तो नेतृत्व करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर परगण्यात कहां होता है? परगण्यात आपको आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। परगण्यात की अगर बात करें तो परगण्यात जो है वो आपको आदिवासी बहुल क्षेत्र में मिलेगा। अच्छा, झारखंड सरकार के द्वारा परगण्यात को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो देखिए, सरकार अब तक परगण्यात जो कि पंचायत स्तर पर क्या करते हैं? नेतृत्व प्रदान करते हैं, उन्हें 1000 की मासिक राशि जो है वो दी जाती थी। कितना? 1000। आप बोलेंगे ठीक है सर, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं पे 1000 दिया हुआ है ही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन है 3000। झारखंड सरकार के द्वारा इस 1000 की राशि को बढ़ाकर 3000 किया गया। जिस परगण्यात को अब तक 1000 रुपए की मासिक राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 3000 किया गया है। यानी अब परगण्यात को 3000 की मासिक राशि जो है दी जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3000, ठीक है। तो झारखंड सरकार के द्वारा अब परगण्यात को प्रति माह 3000 रुपए की मासिक राशि दी जाएगी। इसके पहले 1000 रुपए की मासिक राशि जो है दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 3000 रुपया जो है वो किया गया है, ठीक है। परगण्यात, तो परगण्यात का काम क्या होता है? जिस तरीके से मांझी की बात करें, जिस तरीके से ग्राम प्रधान की बात करें, जिस तरीके से हम लोग बात करें मुखिया की, तो ये सभी लोग पंचायत स्तर पर जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं। उसी तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र में आपको परगण्यात देखने को मिलेगा, और परगण्यात भी पंचायत स्तर पर क्या करते हैं? तो नेतृत्व प्रदान करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि परगण्यात को दी जाने वाली राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 2000। आप बोलेंगे सर कैसे, अभी तो आपने 3000 कहा। देखिए, 1000 रुपया दिया जाता था, अब दिया जाएगा 3000 रुपया। तो वृद्धि कितनी की हुई है? 2000 की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि परगण्यात को दी जाने वाली राशि में सरकार के द्वारा कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो 2000 की वृद्धि की गई है। पहले 1000 दिया जाता था,
अब 3000 दिया जाएगा तो 2000 की वृद्धि हुई है। परगनेत को अब कितनी मासिक राशि दी जाएगी तो 3000। पहले परगनेत को सरकार के द्वारा कितनी मासिक राशि दी जाती थी तो 1000। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, आपको उसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। और आंसर कैसे पता होगा, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली विवाह सहायता योजना के तहत महिलाओं को शादी के लिए कितनी राशि सरकार के द्वारा दिया जाएगा? तो देखिए, झारखंड सरकार एक योजना है, झारखंड सरकार एक स्कीम है जो शुरू करने जा रही है। ये योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है और इस योजना का नाम क्या है, विवाह सहायता योजना। क्या नाम है? विवाह सहायता योजना। अब इस विवाह सहायता योजना के तहत क्या होगा, तो महिलाओं को शादी के लिए कुछ राशि जो है दी जाएगी, जिसे हम लोग सहायता राशि के रूप में समझ सकते हैं। क्या होगा? विवाह सहायता योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को शादी के लिए यानी विवाह के लिए कुछ सहायता राशि दी जाएगी, जिससे कि विवाह के लिए उनको सहायता मिल पाएगी। अच्छा, कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 30,000 रुपए की सहायता राशि झारखंड सरकार देगी महिलाओं को उनकी शादी के लिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के महिलाओं को शादी के लिए कुछ सहायता राशि दी जाती है, तो कौन से योजना के तहत दी जाती है? विवाह सहायता योजना। ठीक है, तो आपको योजना का नाम भी याद रखना है, विवाह सहायता योजना। और इसके लिए 30,000 की मासिक राशि, मासिक कह रहे हैं, 30,000 की राशि जो है आपको दी जाएगी महिलाओं को, किस लिए? तो शादी करने के लिए। ठीक है, सभी बातें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी। झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए 30,000 की सहायता राशि जो है वो दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किस जिले में सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड के किस जिले में सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? रांची में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। झारखंड के रांची में सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 28 नवंबर से इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। आज हो गया 24 नवंबर, तो 28 नवंबर से इसका आयोजन रांची में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 500 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। अगर बात करें सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप की, तो सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? तो रांची में। और इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 500 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर है? सीनियर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप कहां पे? तो रांची में। क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, नहीं है। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत जो है वो कब से की गई थी। तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना जो है वो शुरू की गई थी, जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। और इस वर्ष 15 नवंबर से इसे जो है वो शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत शिविर लगाया जाता है, यानी कैंप जो है वो लगाया जाता है। और कैंप लगाकर लोगों के परेशानियों को दूर किया जाता है, लोगों की असुविधा का दूर किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की। तो 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा इसे पहली बार शुरू किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2021 में इसे पहली बार शुरू किया गया था। उसके बाद 2022 में भी इसका आयोजन किया गया था, और अब जो है 2023 में भी इसे लाया गया है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा। इस वर्ष 15 नवंबर से यह शुरू किया गया है, और इस वर्ष जो है वो तीसरा वर्ष है जब इसका आयोजन जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्टेशन का नाम जो है वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। तो झारखंड के कौन से स्टेशन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा? रांची स्टेशन का नाम रखा जाएगा, धनबाद स्टेशन का नाम रखा जाएगा, बोकारो स्टेशन का नाम रखा जाएगा, या फिर दुमका स्टेशन का नाम रखा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि किस स्टेशन का नाम जो है भगवान मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और आप लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखने का प्रयास करें। चलिए, जितने लोगों को क्लास अच्छा लगा है क्लास को लाइक कर दें, और जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।